हाँ यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन सब क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 आई थिंक, एंड टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। आई थिंक वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। तो यस, टेक द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 एंड द लेंथ एल। आपको दिया गया कोई लेंथ है सेंटीमीटर में एंड कॉपर रोड है और लीनियर फंक्शन में दे रखा है। इट मीन्स आपको एक लेंथ दे रखी एंड उसके करेस्पॉन्डिंग कॉपर रॉड का टेम्परेचर दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड टेम्परेचर बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन। कंसेप्ट ऑफ लाइन का यूज करके अपने को लेंथ और टेम्परेचर में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या कर रखा है, देखिए एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप लेंथ और टेम्परेचर को किसी को एक को एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर लीजिए और किसी को वाई एक्सिस पर। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं प्लॉट किया हूँ वैसे आपको प्लॉट करना है। मैं लेंथ को एक्स एक्सिस पर ले रखा हूँ और टेम्परेचर को वाई एक्सिस पर, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स कॉमा वाई होगा। तो एक्स पे आपको लेंथ लेना पड़ेगा और वाई पे आपको क्या लेना पड़ेगा, टेम्परेचर। जब आप x पे लेंथ लेंगे तो देखिए जैसे x1 y1 हो गया, तो मैं यहाँ x पे लेंथ लूँगा और y पे क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, तो मैं यहाँ पे C से डिनोट करूँगा। तो वैसे ही लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस। तो जो पहली वैल्यू अपने को दे रखी है लेंथ, वो 124.942 एंड इसके करेस्पॉन्डिंग आपको बुक में ही दे रखा है टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने टेम्परेचर ले लिया। एंड द सेकेंड वन लेंथ आपको दे रखी 125.134, दिस इज ऑल्सो ऑन एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस। तो टेम्परेचर आपको 110 दे रखा है ये। तो हम इन दोनों का यूज करके लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और जो लाइन का इक्वेशन होगा हमारा वही लीनियर रिलेशनशिप होगा बिटवीन लेंथ एंड टेम्परेचर में। तो देखिए, तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन। अब एक तरह से ये लाइन का कंसेप्ट बन गया, वी हैव गिवन टू पॉइंट्स एंड इट्स कोऑर्डिनेट। तो फर्स्टली फाइंड द स्लोप ऑफ दीज टू पॉइंट्स, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। देखिए 110 माइनस 20 एंड अपॉन 125.134 माइनस 942। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 110 माइनस 20 आपका आ जाएगा 90 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ये होगा 4, 4 में से 2, 2 एंड 3, 3, 3 में से आप 4 नहीं ले पाएंगे, 13, 13 में से 4 आपका आ गया 9 एंड यहाँ पे हो गया आपका 11, 11 में से 9 गया 2, 1292 और 125 ये हो गया आपका 0। तो ये आपका आ गया स्लोप लाइन का। एंड देन द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन इन टर्म्स ऑफ l एंड c। पुट y, रिप्लेस y विद c, c माइनस सी वन इज इक्वल टू एम, एक्स को रिप्लेस करना है आपको लेंथ से, इट मीन्स एल माइनस एल वन। पुट द वैल्यू ऑफ सी वन एंड एल वन, सी माइनस सी वन इज इक्वल टू आपको वैल्यू एम एल माइनस एल वन, वैल्यू अपने को पुट करनी है। तो वी हैव एन 90.0.292, बेटा 0.292 नहीं, यहाँ पे आपका 1 होगा, देखिए यहाँ पे 0 हो गया, 10 माइनस 9 ये आपका 1 होगा, ये बाई मिस्टेक 2 हो गया। तो आप वैल्यू पुट कीजिए c माइनस सी वन, सी वन वैल्यू आपकी क्या है, ये 20 इज इक्वल टू m, वैल्यू ऑफ m इज टू बी 90 अपॉन 0.192 एंड l माइनस l1, वैल्यू ऑफ l1 इज टू बी 124.992
942। देखिए ये कैलकुलेशन लेंथी है तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है इसको, अब बस इसको ऐसे ही लिख दीजिए 90/0.192 L माइनस 124.942। ये 20 उस साइड जाएगा तो प्लस 20। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह का है। अपने को सेम एक्स और वाई एक्सिस पर ऐसे जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट करके रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव गिवन दैट द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर। इट मीन्स आपको मिल्क एंड उसका प्राइस दे रखा है। इन क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव गिवन आर टॉकिंग अबाउट इन क्वेश्चन मिल्क एंड इट्स प्राइस रिलेटेड टर्म्स। तो फर्स्टली प्लॉट एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस। मैं इस पे मिल्क को ले रहा हूँ और वाई एक्सिस को मैं